गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी सेलिब्रेट समथिंग मोर अबाउट डेफिनेट आर्टिकल इट मीन्स द। आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल इट मीन्स द के बारे में कुछ और ज्यादा पढ़ेंगे। एज यू नो दैट द इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन प्रोवाइडेड दैट इट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ सर्टेनिटी। जैसा कि आपको पता है कि द का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के पहले हो सकता है, बशर्ते उससे निश्चितता का बोध हो। तो वी शैल रीड वन बाय वन, हम लोग एक एक का पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट कॉमन नाउन की बात हो और वह कॉमन नाउन सिंगुलर हो और उससे पूरी होल क्लास इट मीन्स पूरी क्लास पूरी जाति का बोध हो, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। कॉमन, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो और उससे होल क्लास का बोध हो तो उस कॉमन नाउन के पहले द का यूज होगा। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहां पे डॉग है, सिंगुलर है, कॉमन नाउन है और इससे सिर्फ एक ही कुत्ता की बात नहीं हो रही है, जितना कुत्ता है उस सब का जनरली बात हो रहा है। तो जहां पे सिंगुलर से पूरी जाति का बोध हो तो वहां पे हम यूज करते हैं द। द कैट ईट्स मीट, बिल्ली मांस खाती है। यहां पे जो कैट है सिंगुलर है तो इसके पहले भी द का यूज होगा, क्यों कि इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो और उससे पूरी जाति घर का बोध कराना हो तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। यहां पे एग्जांपल दिया गया है, द काउ लिव्स ऑन ग्रास, गाय घास पर जिंदा रहती है। यानी जितनी गाय हैं सभी की सभी घास पर ही जिंदा रहती है। तो जब सिंगुलर से पूरी जाति का बोध कराया जाएगा तो वहां पे द का यूज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब कॉमन नाउन प्लुरल हो और उससे पूरी जाति का बोध कराना हो तो उस केस में द का यूज नहीं होगा। यदि कॉमन नाउन पुलरल हो और उस पुलरल से पूरी जाति का बोध कराना हो तो उस केस में द का यूज नहीं होगा। जैसे हम बोले आपसे कि पहला में कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, अब यहाँ पे डॉग से सिंगुलर, डॉग है सिंगुलर और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है तो वहां पे द का यूज किए। लेकिन हम कहे कि डॉग्स आर फेथफुल, यानी डॉग्स प्लुरल कहते हैं और इस प्लुरल से पूरी जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पे डॉग्स के पहले वी कैन नॉट यूज द, तब हम द का यूज नहीं करेंगे। काउज लिव ऑन ग्रास, काउज लिव ऑन ग्रास और काउज इट मीन्स गाय, गाय घास पर जिंदा रहती है पुलरल, और पुलरल से हम पूरी जाति का बोध कराएंगे तो द का यूज नहीं करेंगे। काउज गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है तो काउच पुलरल है और पुलरल से पूरी जाति का बोध हो रहा है तो वहां पे द का यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपके ये हुआ कि जहां पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, कॉमन नाउन और कलेक्टिव काउंटेबल कहता जाता है ना, तो जहां पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उससे पूरी जाति का बोध हो तो उस केस में आप द का यूज कीजिएगा। और जब वही कॉमन नाउन प्लुरल बन जाए और उससे पूरी जाति का बोध कराना हो तो वहां पे द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, जब कॉमन नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो लेकिन उससे पार्टिकुलर का बोध हो, खास का बोध हो तो उस केस में द का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन चाहे वह सिंगुलर हो या प्लुरल लेकिन उससे एक कंडीशन है, पार्टिकुलर की बात होना चाहिए, खास की बात होना चाहिए, डेफिनेट की बात होना चाहिए तो वहां पे हम यूज करेंगे द का। जैसे मैं कहूं कि द गर्ल हु इज सीटिंग देयर इज माई सिस्टर,
जो गर्ल वहां पे बैठी हुई है वो मेरी बहन है, तो किसकी बात हो रही, जो गर्ल वहां पे बैठी है उसकी बात हो रही है, डेफिनेट गर्ल की बात हो रही है, निश्चित पार्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ। तो जहां पे भी डेफिनेट निश्चितता की बात हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल, तो वहां पे द का यूज कीजिएगा। मैं कहूं कि द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर इंटेलिजेंट, तो इस कॉलेज के जो बॉयज हैं, तो बॉयज क्या पार्टिकुलर बॉयज इस कॉलेज के, तो यहां पे हम द का यूज करेंगे। एग्जांपल यहां पे दिया है द काउच ऑफ दिस विलेज आर ब्लैक, और काउच जो है कहा कि तो इस गांव के पार्टिकुलर की बात होने लगा, तो यहां पे हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट एक चीज आप देख लीजिए, जब यहां पे ये काउच है, ये दिस विलेज, तो विलेज से मतलब नहीं है हमें काउच से, एक कंसेप्ट यहां पे देख लीजिए, जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन हो, तो वहां पे फर्स्ट नाउन के अनुसार, फर्स्ट नाउन के अनुसार भाव का यूज होगा, किसके अनुसार, फर्स्ट। तो यहां पे द काउच ऑफ दिस विलेज आर ब्लैक, यहां पे जो काउच है इस काउच के अनुसार भर्ब के यूज होगा। दूसरा चीज, जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तो फर्स्ट नाउन के पहले द का भी यूज होगा। दोनों चीज समझिए, यहां पे द काउच ऑफ दिस विलेज, यहां पे देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज होगा। समझ लीजिए, हुआ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तो फर्स्ट नाउन पहले द का यूज होगा। आर्टिकल से क्वेश्चन एक्ट होगा ऐसे। दूसरा चीज, सब्जेक्ट भर रिक्वायरमेंट से हो, तो उसमें भी ऐसा केस हो तो फर्स्ट नाउन के अनुसार ही भर्ब का यूज होगा। अगला देखिएगा, जब कॉमन नाउन अब स्ट्रेट नाउन बन जाए, आप नाउन पढ़ेंगे तो उसमें आप जानते होंगे कि कब, वेन कॉमन नाउन बिकम्स अब स्ट्रेट नाउन, कि कब कॉमन नाउन अबस्ट्रेक्ट बनता है, तो जब कॉमन नाउन अबस्ट्रेक्ट बन जाता है उस केस में कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव, मेरे अंदर जो छात्र की भावना है वो अभी भी जीवित है। तो जहां पे ये स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन इस सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, क्या सेंस दे रहा है, मेरे अंदर छात्र की भावना, छात्र नहीं, मेरे अंदर छात्र की भावना अभी जीवित है। एक छोटे बच्चे को कोई औरत देखती है, उसे दया आ जाती है, तो क्या बोलती है कि द मदर इन मी अरोज टू सी द लिटिल बॉय, उस छोटे बच्चे को देखकर मेरे अंदर मातृत्व की भावना जग गई, मां की भावना जग गई। तो जहां पे कॉमन नाउन अबस्ट्रिक्ट नाउन का वर्क करेगा, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा द। इज यूज बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले भी द का यूज होता है। ऑर्डिनल यानी जिससे क्रम का बोध होता है, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसे इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की जहां पे बात होता है वहां पे द का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे खुद डेफिनेट का बात हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि पूजा वॉज द फर्स्ट गर्ल टू विन द प्राइज इन योर कॉलेज, पूजा वॉज द फर्स्ट गर्ल टू विन द प्राइज इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में इनाम जीतने वाली पूजा फर्स्ट गर्ल थी। तो अब हम आपसे कहें कि आपके कॉलेज में इनाम जीतने वाली फर्स्ट गर्ल कौन थी, तो यहां पे फर्स्ट गर्ल कहने से ही पता चल जाएगा क्या कि पूजा। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट गर्ल यहां पे द का यूज हुआ क्योंकि
ये खुद इंडिकेट करेगा क्या किसी पार्टिकुलर का कि पहली गर्ल आपके कॉलेज की इनाम जीतने वाली। तो बिना किस पूजा का नाम लिए बगैर भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट गर्ल इनाम जीतने वाली थी तो पूजा थी। तो इसलिए फर्स्ट के पहले हम यूज क्या किए द। इट मींस जहां पे भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात होगा वहां पे यूज करेंगे हम द। यहाँ पे एग्जांपल से देखिएगा, राजेंद्र बाबू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट के पहले क्या लगाया है द। द इसलिए लगाया क्योंकि इसी फर्स्ट द फर्स्ट से ही पता चल जाएगा कि किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। अब देखिएगा जैसे और आपको एग्जाम्पल बता द नेक्स्ट बस या हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के नेक्स्ट पीएम कौन होंगे। तो यहाँ नेक्स्ट के पहले क्या लग गया द। तो जहां पे भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात हो तो वहां पे आप यूज कीजिएगा द का। एक चीज नोट, जब नेक्स्ट या लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे दे तो उस केस में आप द का यूज मत कीजिएगा। बहुत बार पूछता है जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस केस में आप आर्टिकल का यूज कोई मत कीजिएगा। ये नहीं कि ए एन द कुछ भी नहीं होगा। जैसे लास्ट मंथ और ए लास्ट मंथ या द लास्ट मंथ कहिएगा तो गलत होगा। मैं कहूं कि आई सा हर द लास्ट मंथ, गलत है क्योंकि लास्ट या नेक्स्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट मंथ है तो लास्ट मंथ पहले हम द का यूज कर रहे हैं, एन का यूज करें तो गलत है। अब देखिएगा एक चीज, और फॉर का यूज होने पर, फॉर का यूज होने पर लास्ट के पहले द का यूज होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट दिया है, अब फाइव मंथ्स दिया है, इसके पहले क्या दे दिया है यहाँ पे फॉर का यूज कर दिया है। इस केस में यहाँ लास्ट के पहले द का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूं कि आई हैव नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट फाइव मंथ्स, विदाउट द हम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होगा। सेकेंड, नेक्स्ट या लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा तो उस केस में आर्टिकल का यूज मत कीजिएगा। और जब लास्ट वाला लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे दे और उसमें फॉर का यूज करे तो लास्ट के पहले द का यूज होगा। अगला देखिएगा, जो रोमन फिगर्स की बात हो, रोमन अंक की बात हो तो आप लिखते वक्त द का यूज मत कीजिएगा। जॉर्ज आप पंचम बोलते हैं लेकिन रोमन में हम लिखेंगे इसको, तो जॉर्ज यहाँ पे ठीक लिखे हैं, जॉर्ज पंचम, इसको लिखेंगे कैसे लेकिन पढ़ेंगे कैसे, जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज द फिफ्थ। और लेकिन लिखते वक्त ऐसे, पढ़ते वक्त लिखेंगे, पढ़ते वक्त बोलेंगे जॉर्ज द फिफ्थ, ये इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी रोमन फिगर्स के पहले यू कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर रोमन फिगर्स। जेम्स फर्स्ट, जेम्स द फर्स्ट आप लिख नहीं सकते हैं, बोलिएगा उसको रीड कीजिएगा। अगला देखिएगा, एक यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिए है, आप बताइएगा। एट फर्स्ट वी थॉट पूजा वाज जोकिंग बट देन वी रियलाइज्ड शी वाज सीरियस। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एट फर्स्ट या ये कौन सा पार्ट गलत है, एट फर्स्ट ये पार्ट आपके अनुसार गलत, क्यों कि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। लेकिन आप ये भी अपना भी माइंड लगाइए कि क्या
आप आर्टिकल का यूज बिना नाउन के नहीं कर सकते हैं। तो क्या फर्स्ट के बाद कोई नाउन आया है? फर्स्ट गर्ल, सेकेंड गर्ल, थर्ड गर्ल, ऐसे कुछ आया है? नहीं आया है। आप याद रखिएगा, एट फर्स्ट एट लास्ट की बात हो। आप अपना भी सेंस दोहरा सकते हैं कि बिना नाउन का तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए ये पार्ट गलत नहीं है। इसमें सेंटेंस में कोई भी पार्ट गलत नहीं है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यहाँ पे प्लस प्लूरल नाउन हो तो उस केस में आप फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे द का यूज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड फिर ऑर्डिनल, यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए तो फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले द का यूज होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ आएगा आपको। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स दिया है, यहाँ चैप्टर्स दिया है तो यहाँ इस फर्स्ट के पहले द का यूज होगा, इस सेकेंड के पहले द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ए द, यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो तो उस केस में आप दोनों के पहले द का यूज कीजिए। इट मीन्स यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले भी और सेकेंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले, दोनों के पहले द का यूज होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, यहाँ पे सिंगुलर दिया है तो हम यहाँ पे भी द का यूज करेंगे और यहाँ पे भी यूज करेंगे द का। द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, आपसे क्वेश्चन या तो आर्टिकल से पूछेगा और नहीं तो नाउन से पूछेगा। कॉमन एरर में नाउन से पूछेगा तो जैसे कि फर्स्ट ऑर्डिनल के पहले द का यूज कर देगा और सेकेंड के पहले नहीं करेगा, और यहां पे जो नाउन होगा उसको आपको सिंगुलर कर देगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे जब सिंगुलर होगा तो दोनों के पहले आर्टिकल, एक के पहले जब आर्टिकल देगा तो ये जो नाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा। दो ठो द, यानी दोनों ऑर्डिनल के पहले द का यूज होगा तो जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। यहां से एग्जांपल समझिए, यहां पे फर्स्ट के पहले द आया है, सेकेंड के पहले भी द आया, दोनों ऑर्डिनल के पहले, तो नाउन क्या है? सिंगुलर। और जब एक के पहले, फर्स्ट के पहले सिंगुलर देगा और सेकेंड जो ऑर्डिनल है उसके पहले द नहीं देगा तो जो नाउन आएगा वो हमारा आएगा प्लूरल। अब बताइएगा कहाँ पे द लगेगा कहाँ पे नहीं। आई हैव रीड द लिटरेचर ऑफ 15th एंड 16th सेंचुरी, बताइएगा जल्दी। अब बिल्कुल सही, क्या यहाँ पे सेंचुरी है, यहाँ पे सिंगुलर है तो जब यहाँ पे सिंगुलर है तो इस दोनों के पहले द का यूज होगा, यानी 15th के पहले भी द का यूज होगा और यहाँ पे 16th के पहले भी द का यूज।